है कृष्णा राज बंगलो, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। ये ऋषि कपूर जी का और रणबीर कपूर जी का पुश्तैनी घर है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, मैं आ चुका हूँ मुंबई के पाली हिल वाले रोड पे, और हमारे पीछे वो जो आप लोग बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हैं ना, ये बड़ी वाली बिल्डिंग, ये ऋषि कपूर जी का कृष्णा राज बंगलो है। और अभी रणबीर कपूर यहीं पर आए हुए भी हैं, उनकी साइकिल अंदर खड़ी है क्योंकि अभी बारिश होने लगी है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो ऋषि कपूर जी थे, उन्होंने इस बंगले को कब बनवाया था और उनका यह बंगला क्यों तोड़ा गया है, और इस बंगले को तोड़ के यहाँ पर कितनी मंजिल की इमारत खड़ी की जा रही है, सब कुछ दिखाएंगे, और इसकी प्राइस क्या है। और यहाँ पर अभी नीतू कपूर जी, जो रणबीर कपूर की माँ है और ऋषि कपूर जी की वाइफ है, वो आए हुए हैं। अभी मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि उनका बंगला पहले कैसा था और अभी यहाँ पर कैसी बिल्डिंग बन रही है, इसकी प्राइस क्या है और इसका इतिहास क्या है। क्योंकि इस बंगले के लिए ना बहुत ही लड़ाई हुई है लोगों में, और किसमें लड़ाई हुई है सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए। रणबीर कपूर इसी घर के गेट के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं और उनके पीछे कृष्णा राज बंगलो का नेम प्लेट भी लगा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उनकी माँ नीतू कपूर भी उनके साथ में है और वो भी गेट से बाहर निकल रही है। और रणबीर कपूर फिर अपने साइकिल से वास्तु पाली हिल में, जो उन्होंने नया फ्लैट खरीदा है, वहाँ पर चले जाते हैं। तो ये बिल्डिंग उनकी अभी बन के तैयार हो रही है। देखिए, वहाँ पर लिखा है 56 कृष्णा राज, यही उनका बंगलो है। इस बंगलो के इतिहास के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर पहले एक बहुत ही बढ़िया बंगलो हुआ करता था, जिसमें राज कपूर जी भी अपनी आधी ज़िंदगी गुजारे हैं। और इस घर का इतिहास क्या है, सब कुछ बताऊँगा। इस बंगले को क्यों तोड़ा गया है, तो देखिए, ये पहले पाली हिल बांद्रा में इनका बंगलो था, जो अब यहाँ पे 15 मंजिल की बिल्डिंग बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषि कपूर जी भी और रणधीर कपूर इस बंगले को पहले बेचना चाहते थे, लेकिन कई सारे लोग इन्हीं के घर के विरोध में थे। और पहले राज कपूर जी भी इस घर को बेचना चाहते थे, लेकिन राज कपूर जी की जो पत्नी थी कृष्णा राज, उन्होंने इसे बेचने से इनका विरोध किया और फिर इस बंगले को नहीं बेचा गया। फिर यहाँ पर परमिशन लेके उस बंगले को गिराया गया और यहाँ पर 15 मंजिल की ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। आपको बता दें कि राज कपूर जी का एक और बंगलो है जो चेंबूर में है, उनके आरके स्टूडियो के पीछे, जहाँ पर ये सभी भाई लोग भी अपना बचपन गुजारे थे। लेकिन आपको बता दें, जो आप लोग ये देख रहे हो ना, ये कभी आरके हाउस हुआ करता था और बाद में इसको कृष्णा राज बंगलो में बदल दिया गया। कपूर खानदान की कई पीढ़ियों ने अपना यहाँ पर बचपन भी गुजारा है। जिस जगह पर अभी बिल्डिंग बन रही है, इस जगह पर पहले 1946 से वो बंगला हुआ करता था, जिसका नाम कृष्णा राज बंगलो था। पिछले 76 सालों से इस बंगले में कपूर परिवार की सभी यादें बसी हुई हैं। यही वो मकान है जहाँ पर रणबीर कपूर के पिता, जो ऋषि कपूर जी थे, और उनकी माँ नीतू कपूर, उनको वो दुल्हन बनाकर लाए थे। यानी ऋषि कपूर जी ने अपनी शादी यहीं से की थी। इतना ही नहीं, आरके हाउस में रणबीर की दादी कृष्णा कपूर ने अपनी आधी उम्र भी गुजारी है। रणबीर अपनी दादी के बहुत ही करीब थे और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते थे। आरके हाउस मुंबई के पाली हिल में मौजूद है। इस रेसिडेंशियल एरिया में और कई भी सेलिब्रिटीज रहते हैं, पर आरके हाउस सालों से इस क्षेत्र का लैंडमार्क बना हुआ है। आरके हाउस को कृष्णा राज बंगलो के अलावा आरके कॉटेज के नाम से भी जाना जाता था। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी के बाद उन्होंने इसका नाम कृष्णा राज बंगलो कर दिया। ये जो बिल्डिंग अब बन रही है, जो पहले बंगला यहाँ पे हुआ करता था, वो करीब 3000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ था, और अब उस बंगले को तोड़कर यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। आपको बता दें, जब यहाँ पर वो बंगलो हुआ करता था, जिसका नाम आरके हाउस के नाम से जाना जाता था, उसकी कीमत पिछले कुछ साल में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था, लेकिन आरके हाउस एक समय 30 करोड़ रुपए में ही बिकने वाला था। राज कपूर ने इस घर को 30 करोड़ रुपए में बेचने का प्लान बनाया था, पर राज कपूर की जो पत्नी थी कृष्णा राज कपूर और उनकी बेटी इसके खिलाफ थी। ऋषि कपूर यहाँ पर अब 15 मंजिला अपार्टमेंट बना रहे हैं। वे इसमें एक स्विमिंग पूल, प्रीव्यू थिएटर और एक ऑफिस बनाने वाले थे,
उनकी इसी ख्वाहिश के चलते कुछ समय पहले आरके हाउस को रेनोवेट किया गया था। और आपको बता दें कि इस बंगले में अब एक बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर होगा और पहले 6 मंजिल सिर्फ कार पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरे फ्लोर्स में अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी। 7 लग्जरी फ्लैट, 2 ट्रिप्लेक्स, 5 स्मॉल फ्लैट, 9वें से लेकर 15वें फ्लोर तक 4500 स्क्वायर फीट का ट्रिप्लेक्स बनेगा। एक ओपन स्विमिंग पूल और लाउंज टेरेस पर बनाया जाएगा। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो 15 मंजिला बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर। दोस्तों वर्तमान में कृष्णा राज बंगलों को तोड़कर जहाँ पर ये बिल्डिंग बन रही है, इसको 1980 में यह बंगला उनके दादा स्वर्गीय राज कपूर साहब ने वैज्ञानिक होमी सेठ से खरीदा था। वैसे इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। बताया जाता है कि कभी इस बंगले का मालिक एक अंग्रेज हुआ करता था, जिसने बाद में इसे होमी सेठी को बेच दिया था और 80 के दशक में यहाँ कई बड़ी बड़ी पार्टियाँ हुआ करती थी। होमी सेठ से यह बंगला खरीदने के बाद राज कपूर पत्नी सहित यहाँ रहने लगे थे। राज कपूर के निधन के बाद इस बंगले का नामकरण कृष्णा राज के रूप में कर दिया गया। कृष्णा राज बांद्रा में जिस पाली हिल पर बना हुआ है, वहाँ पर जमीन की वर्तमान दर 55,000 रुपये प्रति वर्ग फीट है। दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं कि रणबीर कपूर जी का नेटवर्थ कितना है। आपको बता दें कि इनके पास 350 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है और ये एक फिल्म के लिए 20 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं। इसके अलावा ये 5 करोड़ रुपए तक पेड प्रमोशन भी करते हैं और वहीं पर ये फ्लिपकार्ट, पेप्सी, हीरो जैसी कंपनियों का विज्ञापन करके करोड़ों रुपए भी कमा लेते हैं। किसी भी कंपनी के एक ब्रांड के विज्ञापन के लिए ये 5 से 6 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इनके द्वारा कंपनी के विज्ञापन से कुल कमाई 50 करोड़ रुपए से अधिक होती है। रणबीर कपूर की साल की कमाई 35 करोड़ रुपए से भी अधिक है। और इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास कई महंगी कारें भी हैं, जिसमें BMW X6, Lexus, Mercedes, Benz GLX क्लास, Audi R8 और Range Rover शामिल है। इन कारों की कीमत करोड़ों में है। यहीं पर अगर रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर की नेटवर्थ की बात करें तो इनका नेटवर्थ करीब 40 करोड़ रुपए का है और वहीं इनके पति ऋषि कपूर ने पत्नी नीतू कपूर और बच्चों के लिए करीब 250 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं। और वहीं पर रणबीर कपूर की पत्नी आलिया भट्ट के पास करीब 158 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है और आलिया भट्ट ने 2018 में लंदन में एक घर खरीदा था जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा मुंबई के बांद्रा और जुहू में भी इनके अपार्टमेंट हैं। और इनकी कार के बारे में बात करें तो इनके पास रेंज रोवर, इवोक, ऑडी A6, ऑडी Q5, BMW जैसी 7 महंगी कारें भी शामिल हैं। और आपको बता दें ये फिल्मों की फीस करीब एक फिल्म के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। तो दोस्तों यही है कृष्णा राज बंगलो, जो पहले इन लोगों का पुश्तैनी घर हुआ करता था, जिसमें कपूर खानदान की यादें बसी हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जहां पर एक खूबसूरत सा कृष्णा राज बंगलो हुआ करता था, जो इन लोगों का पुश्तैनी घर था, वहाँ पर किस प्रकार से 15 मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। और जो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और ये कृष्णा राज बिल्डिंग के नाम से ही जाना जाएगा। उम्मीद करूँगा गाइज ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।